हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाना, इसमें वित्तीय जोखिम भी शामिल है और इसकी आदत भी आपको लग सकती है। लेकिन जो भी ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हैं और रैंक फर्स्ट लाना चाहते हैं तो ये तीन गलती कभी नहीं करें। या हाईएस्ट स्कोर या अच्छी रैंक लाना चाहते हैं या अपना जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई करना चाहते हैं तो आप भूल करके भी ये तीन गलतियां ना करें। फर्स्ट है टॉस की भूमिका, सेकंड है हाईएस्ट सिलेक्शन प्लेयर यानी सबसे ज्यादा कौन से प्लेयर का आप सिलेक्शन करें टीम में, और थर्ड है कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन किस प्रकार करें। तो फर्स्ट में हम आते हैं टॉस। यदि कोई टीम टॉस जीत करके बैटिंग करती है तो इसका मतलब है पिच आपकी कैसी है, बैटिंग पिच है। और बैटिंग पिच है तो आपको सबसे पहले जो सिलेक्शन करना है वो है ओपनर, बल्लेबाजों में से आपको सिलेक्शन करना है और हाईएस्ट वो आपको पॉइंट दिलाएंगे। तो दो या तीन आप ओपनर प्लेयर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड में यदि ऐसा होता है कि यदि कोई टीम टॉस जीत करके बॉलिंग पहले करना चाहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि पिच कैसी है, बॉलिंग पिच है, और यहाँ पर आपको किसको मदद मिलने वाली है, पेसर्स को मदद मिलने वाली है। इसका मतलब है आपको बॉलिंग में जो फास्ट बॉलर है उनका सिलेक्शन आपको करना है अच्छे से, जिनका 90% 80% सिलेक्शन में जो आ रहे हैं उनको आपको बॉलर्स को सिलेक्ट करना है। सेकंड में आता है हाईएस्ट प्लेयर सिलेक्शन। इसमें आप क्या करते हैं या आप करते हैं कि 90% और 80% जिन प्लेयर्स को लोगों ने सिलेक्ट किया है आप उन्हीं को सिलेक्ट करके हाईएस्ट रैंक पाना चाहते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें 90% और 80% वाले ही आपको अच्छी टीम नहीं देते हैं। आप टीम में कॉम्बिनेशन बना करके ऐसे प्लेयर सेलेक्ट करें जो ऑलराउंडर हो, या जैसा पिच हो, या उनका बैटिंग क्रम में कौन सा बैटिंग क्रम पे वो बैटिंग करने आता है, या बॉलिंग में है तो फर्स्ट स्पेल करता है या सेकंड स्पेल में वो आता है। इस प्रकार आपको कॉम्बिनेशन करके हाईएस्ट रैंक वालों से अलग अपनी टीम बनानी है। थर्ड है कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन में भी वही होता है कि यदि पिच बैटिंग पिच है तो आपको ओपनर्स में से किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, और यदि पिच बॉलिंग पिच है, पिच रिपोर्ट आपको मिल जाएगी टॉस के बाद, तो बॉलिंग पिच है तो बॉलिंग पिच में आपको क्या करना है कि एक किसी पेसर्स को आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन में सेलेक्ट करना है, और बीच में मिडिल ऑर्डर में आपको जो सेलेक्ट करना है ऑलराउंडर सेलेक्ट करने हैं उसमें ऑलराउंडर ऐसा होना चाहिए जो स्पिन बॉलिंग करता हो और बैटिंग में भी जिनका 50% या 60% लोगों ने सिलेक्शन किया है बैटिंग में भी उसको आपको सेलेक्ट, ऐसे प्लेयरों को आपको सेलेक्ट करना है। इस प्रकार आप एक संतुलित टीम बना करके मतलब फर्स्ट रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो आपका जितना भी लॉस हुआ है उसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आप लॉस में नहीं रहेंगे, आप 100% विन करेंगे, अपने लॉस की भरपाई करेंगे। तो टीम बनाते समय आप इन बातों का स्पेशल तौर से ध्यान रखें। आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद लेनी हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरी राय जान सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।